हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रभात एग्जाम में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के टॉप 5 हाईएस्ट पेड गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। लेकिन उससे पहले, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर क्लिक करें, सो दैट नेक्स्ट टाइम हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप नोटिफिकेशन मिस ना करें। भारत में सरकारी नौकरी को बहुत बड़ी बात मानी जाती है और अगर देखा जाए तो सही भी है। स्थिरता और सुरक्षा जो एक सरकारी नौकरी प्रदान करती है, एक प्राइवेट नौकरी नहीं कर सकती है। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो सरकार सिर्फ आपके वित्तीय स्थिरता का ही ध्यान नहीं रखती, बल्कि आपके रिटायर होने के बाद भी आपका ख्याल रखती है। यही कारण है कि हर साल हजारों उम्मीदवार सरकारी परीक्षा में बैठते हैं। इसी लिहाज से आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस सरकारी नौकरी में सबसे अधिक सैलरी मिलती है। तो चलिए देखते हैं टॉप 5 हाईएस्ट पेड जॉब्स इन इंडिया। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस। आईएएस बनना बहुत बड़ी बात है क्योंकि यह देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सबसे कठिन सरकारी परीक्षा को पास करना होता है। आईएएस अधिकारी को परिवहन के लिए वाहन, मकान और नौकर चाकर इत्यादि दी जाती है। वेतन संरचना इस प्रकार है। एक आईएएस अधिकारी का मूल वेतन प्रति माह 56,100 रुपीज से शुरू होता है और एक कैबिनेट सचिव को 2,50,000 तक मिलता है। जूनियर ग्रेड से लेकर सुपर टाइम स्केल तक आईएएस अधिकारियों के वेतन ग्रेड में अंतर होता है। कैबिनेट सचिव स्तर पर यह फिक्स होता है। आईएएस अधिकारियों के लिए महंगाई भत्ता 6 माही आधार पर संशोधित किया जाता है। आईएएस अधिकारियों के लिए डीए प्रत्येक वर्ष बढ़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी कि पीएसयू। आज के दौर में सरकारी नौकरियों में जाने का फैसला आपके और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छे फैसलों में से एक माना जाता है और इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है पीएसयू। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ बेहतरीन इकाइयां हैं एचपीसीएल, आईओसीएल, ओएनजीसी, बीएचईएल आदि। पीएसयूज हर साल कई लोगों को भर्ती करती है और अपने एम्प्लॉयज को कई लाभ प्रदान करती है। लोगों को इस नौकरी के प्रति झुकाव का सबसे बड़ा कारण इसकी वेतन संरचना, निश्चित कार्य घंटों, नौकरी की सुरक्षा और कम तनावपूर्ण कार्य है। पीएसयू कार्यकर्ता की वेतन संरचना इस प्रकार है। ग्रेजुएट इंजीनियर वेतन मान INR 24,900 टू 50,500। वार्षिक CTC INR 10,80,000। प्रबंधन प्रशिक्षुओं वेतन मान INR 24,900 टू 50,500। वार्षिक CTC INR 14,10,000। रक्षा सेवा नौसेना, सेना और वायुसेना। यदि आप कई लाभों के साथ अच्छी तरह से सैलरी वाली नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो रक्षा सेवाएं आपके लिए सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है। एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी होने के अलावा यह चिकित्सा सुविधाओं, आधिकारिक निवास और परिवहन जैसे लाभ भी प्रदान करता है। वेतन संरचना इस प्रकार है। कमांडेट जूनियर ग्रेड INR 15,600 टू 39,100 और ग्रेड पे INR 7,600 है। डिप्टी कमांडेंट INR 15,600 टू 39,100 और ग्रेड पे INR 6,600 है। असिस्टेंट कमांडेंट INR 15,600 टू 39,100 और INR 5,400 के ग्रेड वेतन के साथ। भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS। IFS अधिकारी किसी राष्ट्र के प्रतिनिधियों से कम नहीं होते हैं, यानी कि वे देश का चेहरा है। यह काम आपको विदेशी प्रतिनिधियों के साथ कई राजनयिक बैठकों में भाग लेने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने का अवसर प्रदान करता है। यह बहुत अधिक भुगतान वाली नौकरी है जिसके साथ बहुत प्रतिष्ठा और सम्मान जुड़ा है। वेतन संरचना इस प्रकार है। सीनियर टाइम स्केल वेतन मान INR 15,600 टू 39,100। ग्रेड पे INR 6,600। जूनियर टाइम स्केल वेतन मान INR 15,600 टू 39,100। ग्रेड पे 5,400। भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS। IPS अधिकारी राज्य और केंद्र सरकार दोनों की सेवा करते हैं और वर्तमान में सबसे सम्मानित सरकारी नौकरियों में से एक है। यह कई लाभों और पुरस्कारों के साथ एक उच्च सैलरी वाली नौकरी है। वेतन संरचना IAS और IFS के समान है। सीनियर टाइम स्केल वेतन मान INR 15,600 टू 39,100। ग्रेड पे 6,600। जूनियर टाइम स्केल वेतन मान INR 15,600 टू 39,100। ग्रेड पे INR 5,400। तो आई बिलीव इस वीडियो से आपको पता लग गया होगा कि भारत की टॉप 5 हाईएस्ट पेड गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन सी हैं।
ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर जरूर करें। थैंक यू।